हंसी रेस और उसमें हिंदी का पूरे देश में अपमानने का विषय, इसको आगे रखने का विषय निश्चित रूप से हम देशवासियों के लिए और देशवासी होने के नाते इस भाषा को आगे बढ़ाने, इस भाषा को जीवित रखने की भी और इस भाषा को और मजबूती से स्थापित करने का भी आज संकल्प दिवस के रूप में हम लोग इसको देख सकते हैं। कई भाषाएं हैं, मैं आज यहां हिंदी भाषा के साथ भी खड़ा हूं, अपनी मातृभाषा के साथ भी खड़ा हूं, मैं क्षेत्रीय जनजातीय भाषा के साथ भी खड़ा हूं और दुनिया में बोले जाने वाले सबसे बड़ी भाषा अंग्रेजी भाषा के साथ भी खड़ा हूं। एक साथ इतनी सारी चीजें और उसमें एक चीज को प्राथमिकता के साथ स्थापित और उसको मजबूत भी प्रदान करने की कहीं ना कहीं हम सब की जिम्मेवारी। जैसे हम देश, हमारा ये भारत देश का जो झंडा है वो तिरंगा झंडा है, जिसको पूरे देश के हर व्यक्ति ने इसको अपना माना, चाहे हिंदी भाषी हो, बंगला भाषी हो, उड़िया भाषी हो या तमिल भाषी हो या देश का कोई भी भाषा, सभी लोगों ने और वो इसलिए क्योंकि झंडा सिर्फ एक ही भाषा बोलता है। कि हम वो भारतीय हैं, दूसरी कोई भाषा नहीं बोलता। और हम इंसान कई तरीके के भाषा बोलते हैं, और कहीं ना कहीं आज जिस तरीके से देश दुनिया में कंपटीशन का दौर है, उस कंपटीशन के दौर में भाषाओं पर बहुत बड़ा आधार भी हो रहा है, चाहे वो हिंदी भाषा में हो चाहे क्षेत्रीय भाषा। लोग अपने आप को जीवित रखने के लिए इस आधार को भी बर्दाश्त करने के लिए तैयार है। बड़ा विचित्र स्थिति, मैं कभी कभी बातें करता हूं अपने वरिष्ठ पदाधिकारियों के साथ, मुख्य सचिव भी होते हैं, कई पदाधिकारी होते हैं। हमारा झारखंड प्रदेश में अगर हम बात करें तो कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां आज भी जहां लोग हिंदी भाषा नहीं जानते, लेकिन धीरे धीरे
बाजार की हवा और जहां अधिक बोलचाल वाली जो वातावरण है, जब जिन जिन क्षेत्रों से वो गुजरता है उन सब क्षेत्रों में वो अपनी छाप भी छोड़ता है। मैं जब कोई कार्य योजना के विषय में चर्चा करता हूं तो मुझे ये लगता है कहीं ना कहीं उन कार्य योजनाओं को गति देने में भाषा और संवाद बहुत बड़ा भूमिका अदा कर रहा है। मैंने कई बार कहा कि हम कई योजनाओं को धरातल पर उतारते तो हैं, चालू तो करते हैं, लेकिन हमारे कुछ ग्रामीण क्षेत्र ऐसे भी हैं कि जिन भाषाओं में हम उनको समझाते हैं। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।